चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए 25 नवंबर का जो दिन है, देखिए हम लोग वैसे भी एक दिन लेट चल रहे हैं क्योंकि एक दिन क्लास रह गई थी। तो 25 नवंबर का दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के प्रति जो वायलेंस होते हैं, जो अपराध होते हैं, उसको हमें खत्म करना है। इसके लिए इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 25 नवंबर को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी को पता है कि ह्यूमन सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहा है, वो महिलाओं के ऊपर हो रहा है। तो 2020 से लेकर 22 तक यूनाइटेड नेशंस ने यह तय किया था, वहां के यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने यह तय किया था कि हम एक प्रोग्राम चलाएंगे जिसका नाम रहेगा यूनाइट। यूनाइट प्रोग्राम जो है, इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन कैंपेन। ये अगले 2 साल तक पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है और इसमें महिलाओं के पे होने वाली हर तरह के जो वायलेंस है, हर तरह के जो अपराध है, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दी जा रही है कि भाई आपके इलाके में, आपके देश में महिलाओं का प्रति है दृष्टिकोण है, उसको चेंज किया जाए। अगर यूनाइटेड नेशंस के जो एसडीजी गोल्स की बात करूं, जिसमें 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं, इसका जो 5वें नंबर का गोल है, ये कहता है कि जेंडर इक्वलिटी लानी है देश में, दुनिया में। जेंडर इक्वलिटी मतलब मेल इक्वल टू फीमेल, हर क्षेत्र में महिला पुरुष के बराबर रहे, ये 2030 तक हमें अचीव करना है। ये है एसडीजी 5। अगर भारत के स्तर पे देखें तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, महिलाओं को संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स में जब चलते हैं, तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि भाई राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। और यहाँ भी ये खुद ही कहता है समानता का अधिकार, और यहाँ ये अर्ज करता है कि हमारे देश में महिलाएं भी समानता पाएंगी, उनको समानता का अधिकार है, वो किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं रहेंगी। ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 का एक कहता है कि भाई राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, राज्य मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आप लोग देखते हैं, अगर कोई लड़की एसडीएम बने या लड़का एसडीएम बने, सैलरी एक रहेगी, पावर एक रहेगी। आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि भाई महिलाओं के फेवर को लेकर राज्य कुछ स्पेशल प्रोविजंस ला सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, तो महिलाओं के लिए फ्री रहता है। आप लोगों ने देखा होगा सरकारें कुछ स्कीम लाती हैं सिर्फ वेमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है और आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और फिर सरकार क्यों भेदभाव कहती है, क्योंकि आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन सरकार ला सकती है जिससे उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। ठीक है, आप लोगों ने पीएससी में देखा कि महिलाओं के लिए भी कुछ आरक्षण है। हम अगर पंचायतों में देखें तो वहां महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो ये चीज हमें आर्टिकल 15 का 3 कहता है। डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो कहते हैं आर्टिकल 39D में कहता है कि राज्य कोशिश करे कि समान काम का समान वेतन मिले। राज्य कोशिश करे मतलब अगर राज्य के अंदर कोई प्राइवेट कंपनी है और वहां पे ऐसा हो रहा है कि मेल को उसी काम का 8,000 रुपए मिल रहा है और फीमेल को उसी काम का 6,000 मिल रहा है, और अगर ऐसी कोई सूचना सरकार के पास आती है तो सरकार उस प्राइवेट कंपनी को कह सकती है इस तरह का भेदभाव आप ना करें। ये डीपीएसपी में ये बात डाली गई है। तो संवैधानिक सेफगार्ड हमने देखे अब, और 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो ये कहता है कि हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना चाहिए जो कि महिला के डिग्निटी सम्मान को ठेस पहुंचाती है, उसको कमजोर करती है। जैसे सबरीमाला वाला जो इशू है, जिसमें 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको सबरीमाला में टेम्पल में एंट्री बैन की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश किया, उसको उस बैन को हटाया। और ये आर्टिकल 51A भी कहता है कि भाई हम ऐसे कोई भी रूढ़िवादी जो भी काम है, जो भी प्रोसेस चली आ रही है, अगर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है तो हम उसको हटाएं। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है,
ठीक है, आर्टिकल 15 का ये कहता है कि सरकार जेंडर के हिसाब से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ मोटे मोटे हमारे संवैधानिक सेफ गार्ड्स हैं वुमेन्स के लिए। 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है, उसके लिए कानून आया था कि घर के अंदर महिला के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा होती, चाहे उसका पति कर रहा है, बेटा कर रहा है, सास ससुर कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ ये कोर्ट में, मतलब ये एक कानून है और उनको सजा मिलेगी। डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज निरोधक कानून 1961 का आया है। किसी भी प्रकार के दहेज लेने, देने, उकसाने में ये इस केस, इस एक्ट के तहत सजा होगी। और वो इसमें ये भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं कि शादी के 10 साल हो गए तो अब डाउरी का केस नहीं बनता है, 20 साल हो गए तो केस नहीं बनता। डाउरी का केस कभी भी बन सकता है। और 2013 में वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं उसको रोकने के लिए एक कानून आया था कि हमें इसको प्रिवेंट भी करना है, इसको रोकना भी है और इसका रिड्रेसल भी करना है। और इसी कानून के बाद एक महिला प्रकोष्ठ आपको हर सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट मिलेगा, एक वुमेन विंग मिलेगा, जहाँ पे महिलाएं अपने से जुड़े हुए किसी भी तरह की समस्याओं को सीधे लॉन्च कर सकती हैं और उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत केस हो जाता है। तो ये कुछ सरकारी प्रोविजन्स हैं, क्योंकि 25 नवंबर को पूरी दुनिया मनाती है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हम चाहते हैं कि दुनिया ऐसी रहे जहाँ पे महिला पुरुष दोनों सेफली रहे, अच्छे से रहे, बराबरी का हक मिले। इसी के लिए हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रोहिबिशन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और ये कौन चला रहा है? यूनाइटेड नेशंस ने शुरुआत की थी। यूनाइटेड प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, अगले 2 साल तक चलेगा ये। यूनाइटेड प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। इसका प्रोग्राम है यूएन का, आगे यूएन लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज पर। आईएनएस वेला क्या है? ये तस्वीर आप देखिए, आईएनएस वेला एक सबमरीन है। क्या है ये? सबमरीन। और सबमरीन पानी के अंदर रहती है, इसे हिंदी में हम पनडुब्बी कहते हैं। हमारे पास जो भी नेवल है, जो भी नेवल हमारे पास जहाज हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर है या डिस्ट्रॉयर है या सबमरीन, इनके नाम क्या कि आईएनएस लगा रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, आईएनएस वेला। ये क्या है? पनडुब्बी है। अब इसकी पनडुब्बी की बात कर लेते हैं। देखिए, पनडुब्बी ऐसा, जिसे हम कहते हैं नेवल वेपन है, ऐसा नेवल वेपन है कि अगर ये पानी के अंदर रहे तब इससे खतरनाक कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर ये पानी के बाहर आया तो इससे आसान टारगेट कोई हो ही नहीं सकता। दूर से इसको देखो, उड़ा दो। हमारे पास जो भी पनडुब्बी है वो चलती है डीजल से। अब जब डीजल से चलेंगी तो कंबशन होगा। भाई, अगर आप डीजल की कोई गाड़ी देखी तो पीछे से धुआं मारती रहती है, तो जब आप पनडुब्बी को डीजल से चलाएंगे तो इसकी जो गैस है, इसका जो धुआं है, वो तो इकट्ठा होता रहेगा धीमे धीमे कहीं किसी चैम्बर में, और एक ना एक दिन कुछ समय बाद आपको बाहर आना पड़ता है और उस गैस को बाहर निकालना पड़ता है। तो जब पनडुब्बी सतह में आती है, ये जो हिस्सा आप दिख रहे हैं, जब ये सतह पे आता है और अपनी गैस बाहर निकालता है, तब ये बहुत ज्यादा खतरे में रहती है कि अगर दुश्मन ने इनको डिटेक्ट कर लिया, अगर दुश्मन ने इनको पहचान लिया तो तुरंत पनडुब्बी पे अटैक करेगा, और पनडुब्बी के साथ साथ जो 100-500 इसमें सोल्जर्स हैं वो भी तुरंत मरे आएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि भाई डीजल से चलने वाली जो डीजल से चलने वाली पनडुब्बी है उनमें गैस तो इकट्ठा होगी और उस गैस को निकालना पड़ेगा ही। हो सकता है ये 20 दिन तक पानी के अंदर रहे, 25 दिन तक रहे, लेकिन बाहर तो आएंगी। और बाहर आएंगी तो ऐसा नहीं कि बाहर आकर तुरंत अंदर चली आएंगी, बाहर भी कम से कम 4-5 घंटे तक रहना पड़ता है। और इसका हमको तोड़ निकालना था। इसका सबसे अच्छा तोड़ है कि अगर हम न्यूक्लियर पनडुब्बी बना दे, यानी वो नाभिकीय ईंधन से चले, तो नाभिकीय ईंधन में गैस तो निकलती नहीं है, ऐसा कुछ रेसिड्यू तो होता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर पनडुब्बी को लेकर दुनिया भर में एक मत राय नहीं है कि न्यूक्लियर पनडुब्बी कहीं ऐसा तो नहीं चलता फिरता खुद का बम हो, खुद ही फट जाए। और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने अलग अलग जगह पे देखे ही हैं। तो एक तोड़ निकाला गया। क्या तोड़ निकाला गया? कि हम डीजल जो पनडुब्बी है इसका थोड़ा मॉडर्न वर्जन लाते हैं, और इस मॉडर्न वर्जन का नाम था डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो है, पहली चीज तो ज्यादा लंबे समय तक पानी में रह सकती है, दूसरा ये आवाज भी बहुत कम करती है। जैसे जो डीजल, नॉर्मल डीजल वाली पनडुब्बी थी वो आवाज बहुत करती थी। आपने देखा होगा जनरेटर चलता है डीजल से, ट्रैक्टर चलता है डीजल से, ट्रक चलता है डीजल से, तो कितनी आवाज करता है।
अगर इतनी आवाज करोगे, इतना शोर करोगे तो दुश्मन तो जान जाएगा ना कि आपके कोई पनडुब्बी हमारे आसपास, वो पानी के अंदर जो सुनार वेव्स निकलती है उससे वो पता कर लेगा। इसी को लेकर सरकार ने एक प्रोजेक्ट 75 चला रही थी, प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत हमें 6 पनडुब्बी बनानी थी। कितनी बनानी थी? 6 पनडुब्बी। और हम चाहते थे कि वो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बने और वो नॉइस कम करे और उसमें स्टील्ड फीचर हो। कौन सा फीचर हो? स्टील्ड फीचर। स्टील्ड मतलब कि कोई इसको पकड़ ना पाए, कोई इसको डिटेक्ट ना कर पाए। स्टील्ड मतलब होता है छुप जाना, जैसे जो गिरगिट होता है, जो गिरगिट होता है वो अपना रंग बदल लेता है, कैमेलियन इंग्लिश में कहते हैं, वो अपना रंग बदल लेता है। हरी घास में बैठेगा तो हरा हो जाएगा, पीली पत्ती में जाएगा तो पीला हो जाएगा, यानी आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस तकनीक को कहते हैं स्टील्थ टेक्निक, मतलब आप बगल से गुजर जाओ लेकिन उनका दुश्मन का जो डिवाइस है वो पता ना कर पाए कि कुछ बगल से गया है। तो हमें ये करना था, हमने चलाया प्रोजेक्ट 75 और इसमें हमारी मदद कौन करा? फ्रांस। फ्रांस ने बोला मैं तकनीक में बहुत आगे हूँ भारत, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें 6 पनडुब्बी बना के दूंगा जो कि डीजल इलेक्ट्रिक रहेंगी, आवाज भी कम करेंगी और वो स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होंगी जिसको दुश्मन आसानी से पकड़ नहीं पाएगा, और लंबे समय तक पानी के अंदर रहेंगी जिससे तुम्हें बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा और तुम लंबे समय तक अपने देश की सुरक्षा कर सकते हो बिना किसी से डरे घबराए। इस तकनीक को लेकर, प्रोजेक्ट 75 को लेकर हमें 6 सबमरीन बनानी थी। उस 6 सबमरीन में 3 सबमरीन पहले से बन चुकी हैं, ये थी चौथी सबमरीन। तो आईएनएस वेला कौन सी सबमरीन है? फोर्थ सबमरीन है। किस प्रोजेक्ट के अंदर आई है? प्रोजेक्ट 75 के अंदर बना रहे है। इसमें कौन सा देश हमारी मदद कर रहा है? फ्रांस मदद कर रहा है। कुल हम इसमें कितनी सबमरीन बना रहे हैं? 6 सबमरीन बना रहे हैं। और हमारे देश में, दुनिया के देशों के जो नेवी है उनके पास जो जो हथियार, जो जो ऐसी पनडुब्बियां हैं या जहाज है या डिस्ट्रॉयर है या वॉरशिप है, उनकी एक क्लास होती है, उनकी एक क्लास होती है जिससे हम उन्हें आसानी से पहचान पाए, जान पाए, और उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। या सिंपल सी बात करूँ, आप कार लेने जाते हैं तो कोई VXI मॉडल है, कोई ZXI है, कोई 700 है, कोई 300 है, तो उससे हम जान लेते हैं कि इसका मॉडल नंबर कौन सा है। वैसे इनमें क्लास होती है। तो ये जो सबमरीन बन रही है ये स्कॉर्बिन क्लास की बन रही है। तो ऐसी 3 पहले से बन चुकी हैं, हमारे पास है ये चौथी INS वेला। वो 3 कौन सी, वही मैं बताऊंगा। तो हमारी नेवी के जो चीफ है एडमिरल, चीफ एडमिरल करमवीर सिंह साहब, इन्होंने इसको कमीशन किया। अब कमीशन किया इसका क्या मतलब है? देखिए, कमीशन करने का मतलब होता है कि भाई ये पनडुब्बी जो है ये बन चुकी है, अब ये इसका क्या होगा? इसका ट्रायल होगा। अब इसका ट्रायल 2-3 साल चलेगा, उसके बाद फिर से इसको नेवी में क्या किया जाएगा? इंडक्ट किया जाएगा। इंडक्ट, इंडक्ट मतलब होता है अब ये पूरी तरह तैयार है, अब नेवी इसको यूज करे। तो ये जो हम 6 सबमरीन बना रहे हैं ये हमारे देश में बन रही है, हमें सहायता फ्रांस दे रहा है, और हमारे देश में इसको बना कौन रहा है? मजगांव शिपिंग लिमिटेड, ये गोवा में स्थित है, ये बना रही है। तो ये सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आती है और ये इसको बना रही। ये जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, कलवरी क्लास। कलवरी क्लास स्कॉर्पिन क्लास 1 है, ठीक है। तो हम कलवरी क्लास में 6 सबमरीन बना रहे हैं, और इस 6 सबमरीन में जो पहली सबमरीन हमने बनाई थी उसका खुद का नाम कलवरी था, यानी INS कलवरी। अब बात ये कर लेते हैं कि सबमरीन हमें चाहिए क्यों। आपका जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसके पास 80 सबमरीन है, 80। हमारे पास अभी 12 सबमरीन भी नहीं। चाइना बहुत तेजी से सबमरीन बना रहा है, अगले 3 सालों में वो 32 सबमरीन और बना लेगा, और हमारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 6 सबमरीन, 4 सबमरीन, ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास हमसे कम सबमरीन है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो चाइना उसको सबमरीन दे देगा। तो हमें 2 फ्रंट अगर वॉर लड़नी है, नेवी मजबूत करनी है, तो हमारे पास सबमरीन होनी चाहिए, और सबमरीन को लेकर हमारा ये प्रोजेक्ट 75 चल रहा है। अब इसके पहले जो 3 बन चुकी थी, जैसे मैंने बोला, एक थी INS कलवरी, ये अक्टूबर 2015 में लॉन्च हुई थी और 2017 में इंडियन नेवी को दे दी गई। सेकंड नंबर की खंडेरी, तीसरे नंबर की गरंज। तो कलवरी जो है, कलवरी, इसके नाम से कलवरी क्लास भी है। खंडेरी, खंडेरी नाम का एक बहुत फेमस किला है, महाराज शिवाजी ने इसको जीता था, और ये आपको मिलेगा किधर? महाराष्ट्र में, खंडेरी नाम से एक किला भी। करंज, करंज एक शार्क का नाम है,
जिसको हम लोग कहते हैं टाइगर शार्क, और ये आपको वेस्टर्न घाट्स में यानी जो अरेबियन सागर है वहां आपको मिलती है। कलवरी का क्या मतलब है? एक हमारे पास पहले सबमरीन थी जो 1976 में हमने उसको यूज करना शुरू किया था, 2003 में रिटायर हो गई थी। और ये जो सबमरीन थी ये 34 साल, तो ये 1967 से आई थी, 34 साल सर्विस दी। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें इस सबमरीन ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो 34 साल की सेवा देकर वो रिटायर हो गई। और हम उस सबमरीन का नाम जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए हमने फिर से नाम उसका रख दिया INS कलवरी। तो INS कलवरी के नाम से पहले हमारे पास एक सबमरीन थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। तो अभी हमारे पास अब चौथी क्या आ गई? INS वेला। दो और है, एक का नाम है वागीर, दूसरे का नाम है वागशीर। इस तरह कुल 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम बना रहे हैं अपने देश में विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। क्लास क्या है? कलवरी क्लास। कैसे ये सबमरीन है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक के क्या फायदे हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दिया है। इंडियन नेवी की बात करूं तो इसके 4 कमांड है, एक पश्चिमी, एक दक्षिणी, एक पूर्वी और एक अंडमान निकोबार। जो पश्चिमी कमांड है ये आपको मुंबई में मिलेगा, जो दक्षिणी कमांड है ये आपको कोची में मिलेगा, और जो पूर्वी कमांड है ये आपको विशाखापट्टनम में मिलेगा, और ये अंडमान निकोबार वाला तो है ही। तो अभी ये जो पश्चिमी कमांड है उसको दिया गया है, वो अब इसके ट्रायल करेगी, उसके बाद फिर खबर आएगी साल 1.5 साल बाद कि INS वेला पूरी तरह तैयार है अब इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के लिए। तो ये एक न्यूज थी INS वेला, ध्यान रखिएगा INS वेला एक सबमरीन है। अगली न्यूज में चलते हैं। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, और पॉल्यूशन फैल क्या रहा है, पॉल्यूशन की वजह से तो वहां पे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, वहां पे ऑफिसेस बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। वहां पे जिनके पास PUC नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल वाला कार्ड, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बड़े वाहन को वहां एंट्री नहीं मिल रही है, बहुत सी दिक्कतें चल रही। तो ऐसा क्या हुआ, इसके लिए थोड़ी सी न्यूज जान लेते हैं। हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना साहब, इन्होंने भारत सरकार से पूछा कि भाई आप दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए कर क्या रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है उस पॉल्यूशन लेवल पे यूरोप की सरकारें अपने शहर को खाली करवा देती है कि भाई तुम निकलो, ये शहर खाली करो। अभी उस पॉल्यूशन लेवल पे हमारे दिल्ली में लोग रह रहे हैं हंसी खुशी, और नवंबर 5 में ये पॉल्यूशन लेवल 444 पहुंच गया था। बताऊंगा इस लेवल क्या होता है। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 444 या उससे ऊपर था। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील गई थी कि भाई दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लिए कुछ किया क्यों नहीं जाता। हमारे पास संविधान में आर्टिकल 21 है जिसमें हमारे पास अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हमें जीवन जीने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर मैं खराब हवा में सांस लूं, 10-20 साल सांस लूं, मैं अस्थमा हो जाए, खांसते खांसते मैं मर जाऊं, तो मेरे तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार को ठेस लगी। तो दिल्ली में करोड़ लोग रहते हैं और उनके आर्टिकल 21 का तो हनन हो रहा है, क्योंकि उनको जीवन जीना है, उनको खराब हवा में सांस लेके अस्थमा नहीं करवाना। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट तो हर आदमी का अधिकार है, ये तो है ही है। बाकी और भी चीजें, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्रेश एयर, ये सब बहुत सारे हमारे पास राइट है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फटकार लगाई कि आप सरकार कर क्या रही है। तो सरकार ने बोला कि हमने ऑर्डिनेंस चालू कर दिया, हमने स्कूल बंद करा दिए, हमने कॉलेज बंद करा दिए, हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, हमने गाड़ी बंद करा दी। तो ये हल नहीं है, आप हवा की ओर साफ नहीं कर रहे हो। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर इस बार नई दिल्ली बन गया है, और नई दिल्ली हर बार की भांति इस बार भी इसको टाइटल मिला है वर्ल्ड्स पॉल्यूटेड कैपिटल, और इंडिया को टाइटल मिला है, या दिल्ली को एक और टाइटल मिला है, पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, करोड़ों लोग रह रहे हैं वहां पे, और चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके पास हेलो तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, इसकी वजह से लड़ाई चल रही है। हमें नहीं जानना पॉल्यूशन क्यों है, कैसा है, हम तो ये जानेंगे कि पॉल्यूशन को लेकर हमारे पास कुछ इंडेक्स हैं क्या, कौन क्या मेंटेन करता है इसके लिए। तो 2014 में
केंद्र सरकार ने बोला कि भाई हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालेंगे और इसमें ध्यान रखिएगा एक नंबर एक रंग एक डिस्क्रिप्शन होगा, यानी पूरे देश में अगर हमने बोल दिया पीला कलर इसका मतलब हवा खराब है, अगर हमने बोल दिया हरा कलर इसका मतलब हवा बहुत अच्छी है। तो ये कॉन्सेप्ट निकला और ये कहा गया पूरे देश की हवा को एयर क्वालिटी को नापने के लिए हम 8 प्रदूषक या 8 पॉल्यूटेंट्स को जांचेंगे। इससे ये होगा कि एक अनपढ़ आदमी भी अगर देखेगा हरा रंग दिखा रहा है उसकी इस इंडेक्स में तो जान जाएगा यहाँ की हवा ठीक है, अगर दिखा रहा है पीला रंग तो समझ जाएगा हवा हल्की सी खराब। तो ध्यान रखिएगा पूरे देश की एयर क्वालिटी को नापने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला गया 2014 में। इसको कौन मेंटेन कर रहा है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसकी सहायता कौन कर रहा है? राज्य के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी प्रदूषण नियंत्रक जो मंडल है वो कर रहे हैं। अब इसमें जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, जो 8 प्रदूषक हैं, पहला है पर्टिकुलेट मैटर PM10, यानी ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं जो कि 10 मिलीमीटर से कम इनकी डायमीटर होती है, और छोटा PM2.5 ये और छोटा है, 2.5 मिलीमीटर से कम इनका डायमीटर होता है। ये तो हमारे नाक के बालों से बच के भी अंदर निकल जाते हैं, इसलिए कहते हैं PM2.5 का जब कंसंट्रेशन ज्यादा रहे तो मास्क लगाना जरूरी है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और अमोनिया। ध्यान रखिएगा देश की एयर क्वालिटी इंडेक्स जांचने में हम कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का लेवल नहीं मापते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो पूरे देश के लिए तो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स ला दिया और उसके लिए हमने अलग अलग रंग भी बता दिए कि भाई अगर हरा रंग है तो इसका मतलब गुड, और हरा रंग तब मिलेगा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 हो। अगर पीला रंग है तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 हो, 101 से 150, यानी अब ये खराब हो रहा है, जैसे ये मॉडरेट गुड, फिर ये इसके नीचे इसका लिस्ट भी लिखा हुआ है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने हवा की कैटेगरी कितने में, 6 तरीकों में हमने हवा की कैटेगरी मापी। ध्यान रखिएगा 2014 से चालू हुआ, 8 तरह के प्रदूषकों को हम नाप रहे हैं, उनको 6 तरह की कैटेगरी में बांट रहे हैं। सबसे अच्छी कैटेगरी गुड, इसका कलर है हरा। सेटिस्फैक्ट्री, इसका कलर है पीला। मॉडरेटरी पॉल्यूटेड, इसका कलर है ब्राउन। पुअर, इसका कलर है रेड, और फिर वेरी पुअर और सीवियर। अब देखिए दिल्ली, अब हमारे पास 300 से ऊपर तो सीवियर है, यहाँ क्या लिखा है? हेल्थ वार्निंग, द एंटायर पॉपुलेशन इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड। इमरजेंसी कंडीशन 300 के ऊपर है और दिल्ली में 450 तो हंसते खेलते जा रहा है, यानी दिल्ली का जो आंकड़ा आ रहा है वो तो हमारी स्केल से भी ऊपर निकल गया। तो दिल्ली जब इस तरह के कीर्तिमान रचेगा तो ये हुआ कि नहीं, दिल्ली तो स्पेशल केस है और दिल्ली के लिए हमें कुछ नया चीज करना पड़ेगा, कुछ उसके लिए गाइडलाइंस अलग निकालनी पड़ेगी। तो दिल्ली के लिए हुआ ये कि दिल्ली के लिए, देखो पूरे देश के लिए हम चलाएंगे क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली के लिए हम क्या चलाएंगे? दिल्ली के लिए हम चलाएंगे सफर। दिल्ली के लिए हम क्या निकालेंगे, क्या चलाएंगे? सफर। तो सफर क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो सिर्फ दिल्ली के लिए, दिल्ली NCR के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल वाला नहीं चलता, इसमें चलता है सफर वाला, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था। इस सफर में जो पॉल्यूटेंट है उनकी संख्या भी ज्यादा है, और इसको कौन बना रहा है, मेंटेन कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विज्ञान नई दिल्ली, ये इसको बनाए हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं, और इसमें 12 तरह के पॉल्यूटेंट्स को जांचा जाता है, और ये सिर्फ दिल्ली के लिए। आपको इंदौर में जो चौराहे में स्क्रीन लगी हुई है वहां पे सफर इंडेक्स नहीं आ रहा, वहां पे AQI इंडेक्स आ रहा, लेकिन दिल्ली में सफर इंडेक्स है, क्योंकि दिल्ली भाई दिल्ली है, दिल वालों को दिल्ली है, और वो कुछ ज्यादा ही उसके रिकॉर्ड आते हैं। तो सफर जो है ये इंट्रीगल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ओनली दिल्ली एट प्रेजेंट। दिल्ली NCR के लिए सफर सिस्टम चल रहा है, पूरे देश के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है। सफर किसने बनाया है, फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखिएगा। और सफर में आप देखिए बेंजीन, टोलुइन, ज़ाइलीन, मरकरी, ये सबको भी जोड़ा गया है, उसमें ये सब नहीं था। तो जैसा मैंने बोला कि सेंट्रल पॉल्यूशन, देश भर की एयर क्वालिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 में ये बना था,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन ये काम करता है। और इसको ताकत कौन देता है, इसको ताकत देता है जल कानून, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ जल, जो प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो वाटर वाला है वो देता है इसको ताकत, वो इसको ताकत देता है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इसको ताकत देता है। इसके साथ जो एयर वाला भी है 1981 वाला कानून, वो भी इसको ताकत देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके जो वन मंत्रालय है उसके अधीन आता है, ठीक है। और सफर किसके अधीन आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन आ रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेसिक्स, ठीक है। अभी इंदौर का आप चेक करो, वो सफर इंडेक्स नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंदौर का AQI दिखाएगा, जो आप चौराहे में स्क्रीन देख रहे हैं वो AQI की बता रहा है, ठीक है। तो अब हर साल का रोना है दिल्ली का, और दिल्ली की दिक्कत ये है कि उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां पे जो हवा है वो जाके कैद हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और दूसरा ये कि भाई ठंड है, ठंड में लो प्रेशर जोन बनता है, हवा गर्म होगी तब ऊपर उठेगी, यहाँ तो हवा ठंडी है तो नीचे ही रहती है। तो अगर अपनी कार से आप धुआं निकाल ले तो वो धुआं ऊपर गया ही नहीं है, एटमॉस्फेयर में बैठा है, और वही धुआं आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे तो ले रहे, तो जो आपने दिया वो आपने पाया। दिल्ली वालों के साथ ऐसा ही है। चलिए अगली न्यूज पर बात करते हैं। आप लोगों ने एक बंदूक का नाम सुना होगा AK-47, उसका बड़ा भाई आया AK-56। तो ये जो बंदूक है ये 1946 से बनती आ रही है, और AK जो है, AK एक आदमी है, इसका नाम था अलेक्सी क्लाशनिकोव, ये USSR का आदमी था। USSR आज का रशिया है, 1991 से पहले रशिया का नाम USSR था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया। 1991 में ये बिखर गया, 14 देशों में टूट गया, अब ये बचा रशिया। लेकिन ये जो AK था, इसने जो पहली बंदूक बनाई थी उसका नाम था AK-46, बाद में इसके वर्जन आते गए। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह असेंबल्ड बंदूक है, मतलब आप इसको खोल के अपने टिफिन बॉक्स में रख के ले जा सकते हो। दूसरा, ये कम समय में ज्यादा बुलेट फायर करती है, तो ये एक राइफल है, और हमारे आर्मी को ऐसी ही राइफल चाहिए जो हल्की हो, ज्यादा बुलेट्स फायर करे, और उसको असेंबल डिसेंबल करना भी अच्छा हो। अब रशिया मेरा बहुत पक्का दोस्त है, और रशिया के जो अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये 2-4 दिनों में पहुंचने वाले हैं भारत। तो उनके आने से पहले देखिए, हमने भी 4 दिन पहले बताया था S-400 जो है उसकी पहली बैटरी हमारे पास पहुंच चुकी है। अभी इनके आने से पहले हमने तय किया, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तय किया कि भाई हम AK-203, ये भी उसी खानदान की राइफल है 46 की, इस राइफल को हम क्या करेंगे, भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। भारत में कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, देखो ये न्यूज तो है 2 साल पुरानी, लेकिन 2 साल में ठीक ठाक काम हुआ नहीं, इसलिए फिर ये न्यूज फ्लैश हो गई। तो हम इसको मैन्युफैक्चर कहाँ करेंगे, अमेठी में। अब अमेठी सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे, उत्तर प्रदेश की सीट है, लेकिन वहां पर राहुल गांधी को हराया था किसने, श्रीमती स्मृति ईरानी ने हराया था, ये बैठी हुई है। और ये इसके पीछे कब, देखिए क्या लिखा है, AK-203 दुनिया की सबसे दमदार असॉल्ट राइफल, असॉल्ट मतलब होता है हमला करना, दुनिया की सबसे दमदार असॉल्ट है। तो ये 2019 की फोटो है, लेकिन 2 साल में ठीक ठाक काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोविड फैला हुआ था। और भाई AK-203 डिजाइन तो इनकी है ना, रशिया की, हम तो बस अपने घर में आके अमेठी में बना रहे हैं। तो इसके लिए फिर से कुछ कागज साइन हुए कि भैया इसका काम शुरू किया जाए, इसलिए ये न्यूज में है। तो AK-203 जो है ये अमेठी में बनेगी, और अभी तक क्या है, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो जो राइफल यूज करती है उसका नाम है इंसास। इंसास का फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल आर्म्ड राइफल, इंसास। इसकी इंसास की तुलना में AK-203 कई ज्यादा उन्नत है, कहीं ज्यादा उन्नत है, इसकी जो रेंज है वो अच्छी है, कई ज्यादा उन्नत है। तो सरकार ने अभी फिर से ठेका दिया कि हम 7 लाख, मतलब इस कंपनी को ठेका दिया जो अमेठी में रहे, कि भाई हम आपसे 7 लाख AK-203 खरीदेंगे, हमें अपने इंडियन आर्मी के जवानों को ये देना है, इसलिए न्यूज फ्लैश हो गई। और अभी देखिए 2-5 दिन बाद जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो फिर ये न्यूज आएगी उठेगी। तो अभी ये हुआ कि भैया हमें टोटल 7,70,000 AK-203 राइफल्स चाहिए, अभी ये बनना शुरू नहीं हुई है अमेठी में, बनेंगी तो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स में इसको दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम जो राइफल यूज कर रहे हैं उसका नाम है इंसास, इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो AK-47 जो राइफल है
इसको जो उस व्यक्ति ने बनाया था उसका नाम था मिखाइल क्लासनिकोव, और ये व्यक्ति जब 1994 में मरा है तो उसके कुछ महीने पहले इसने एक पत्र लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है मैंने दुनिया को सबसे खतरनाक चीज उसके हाथ में दे दी और मेरी वजह से, मेरी राइफल की वजह से पता नहीं कितने हजार लोग मरे। तो फिर वहां के लोगों ने समझाया, नहीं दोस्त, मरे कम है बचे ज्यादा है तुम्हारी बंदूक से। तो उसने चैन की सांस ली और मर गया। लेकिन मिखाइल क्लासनिकोव जो है ये AK-46 का जन्मदाता है, AK-47 का क्या है, ये फाउंडर है और USSR से बिलोंग करता था ये। तो AK-203 अमेठी में बनेगी, और इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, निर्मला सीतारमन, ये सब बैठे हुए हैं, और पीछे पोस्टर बोल रहा है कि दुनिया की सबसे दमदार असॉल्ट राइफल। अच्छी बात यह कि जब हमारे देश में बनेगी तो हम दुनिया भर में इसको बेचेंगे भी, कुछ पैसा रशिया रखे, कुछ पैसा हम रखेंगे, मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी आर्मी के पास ये जो पुराना वर्जन है इंसास का, ये रिप्लेस होगा, ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। ठीक है, तो एक ये न्यूज थी छोटी सी। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि निम्न में से कौन सी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन नहीं है, कलवरी, खंडेरी, करान या करनी, कौन सी नहीं है? ये नंबर वन इंडेक्ट हुई, दूसरे नंबर पे हुई, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे भी क्या हुई है, वेला, यानी ये ऑप्शन गलत है। लगातार तीसरे साल हमने अपने आप को गौरवान्वित किया, वो कौन सा शहर है जो दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल का खिताब उसको मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सफर, सफर ध्यान रखिएगा, उस सफर के लिए से सफर कर रहे हैं दिल्ली वाले। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें कितने लक्ष्य हैं और उनके कितने टारगेट्स हैं? 2030 तक दुनिया के देशों को इसको पूरा करना है, यूनाइटेड नेशंस के ये लक्ष्य हैं। इसमें कुल कितने लक्ष्य हैं और उन लक्ष्य के अंदर कितने टारगेट हैं? तो लक्ष्य हैं 17 और उन 17 लक्ष्यों के अंदर 169 टारगेट्स। ठीक है, आज आपने इसके पांचवें लक्ष्य के बारे में जाना, जिसका है जेंडर इक्वलिटी, हमें बताना। मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड क्या है? शाह ए बुलबुल, यानी एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। ये छत्तीसगढ़ की है, ये उड़ीसा की है, हिलमायना। ठीक है, मेंस क्वेश्चन AK-203 के बारे में, SDG 5 के बारे में, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, और किस तरह COVID-19 पेंडेमिक में हमें किन डोमेस्टिक एब्यूज जो है ये पेंडेमिक के दौर में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और किस तरह हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है, इसके बारे में आपको बताना है, घरेलू हिंसा के बारे में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।